अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शर्ट का एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। इसके लिए मैंने ये लॉन का फैब्रिक लिया है और ये शर्ट पीस है जो थ्री पीस सूट्स के साथ जो शर्ट पीस आता है उतना ही कपड़ा है इसमें। ये इसका फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है और ये इसका जो है बाजू का कपड़ा है जिसे मैंने अलग कर। बाजू और फ्रंट साइड के कपड़े को मैं साइड पे कर रही हूँ अभी। ये बैक साइड का कपड़ा है, इसकी चौड़ाई इतनी ही आई थी। अगर आपका कपड़े की चौड़ाई ज्यादा है तो आप ज्यादा रख के इसको फ्रॉक की लुक भी दे सकते हैं। 29 इंच इसकी चौड़ाई है। ये कपड़ा एक्स्ट्रा था लंबाई में तो ये मैंने इसको निकाल दिया है और मुझे इसकी टोटल लंबाई 38 इंच तैयार रखनी है। इसको मैंने अब लंबाई के रुख में फोल्ड करके रख लिया है। जितनी मैंने बैक साइड की लंबाई निकाल ली है उतनी ही मैं फ्रंट साइड की लंबाई निकाल रही हूँ। तो ये बैक साइड से लंबा है, इसको मैंने इसके बराबर करना है क्योंकि बॉर्डर जो है दोनों आगे पीछे का सेम होना चाहिए। इस तरह से मैंने इसको बराबर सेट कर लिया। अब ये जो सेंटर का कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से अब मैं अपनी मर्जी से जौन सा पार्ट निकालना चाहूँ वो निकाल लूंगी और इसको इसके बराबर कर दूंगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ के ऐसे कट कर लेंगे। तो ये देखें, ये फ्रंट साइड का जो हिस्सा है मैंने ये वाला बॉर्डर उसका निकाल दिया है। ये मैं बाद में स्टिच करूंगी इसके साथ। पहले हम बैक साइड के ऊपर कमीज की कटिंग करेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे, फ्रंट साइड की कटिंग बाद में करेंगे। अब यहाँ पर आप तीरा, कंधा, चेस्ट, कमर, चौक का निशान लगा लें जो आप नॉर्मल कमीज का लगाते हैं। यहाँ से मैंने कटिंग ज्यादा नहीं की, अगर खुला रखने का इरादा हुआ तो यहाँ से इसको खुला भी कर सकते हैं। बैक साइड की ये कटिंग कंप्लीट है, इसे अब हम साइड पे कर देंगे। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। पहले हम ऊपर से स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो है इसके साथ में ये बॉर्डर अटैच करूंगी, इसलिए इसको भी मैं साइड पे कर रही हूँ। इसका फ्रंट वाला हिस्सा है, इसके सेंटर में जो है ये इस तरह से प्रिंट हुआ है। अगर आपका कपड़ा प्लेन है या फिर पूरे पर एक जैसा प्रिंट है तो आपने क्या करना है, ये सेंटर वाला जो हिस्सा है आपने 10 इंच पे कटिंग करना है और तैयार होकर ये 9 इंच रह जाएगा। मैं यहाँ पर अपने प्रिंट के हिसाब से कटिंग करूंगी, इसको ऐसे फोल्ड कर लूंगी मैं सेंटर से दोबारा और ये जो मेरा प्रिंट है इससे थोड़ा सा बाहर रख के सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैं इस पूरे हिस्से को सेपरेट कर दूंगी सेंटर वाले पैनल को। यहाँ पर मैं पॉकेट बनाऊंगी तो पॉकेट के लिए ऊपर से 20.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है और 20.5 इंच पे यहाँ पे इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर मुझे 4 पीसेस डालने हैं पॉकेट बनाने के लिए, ठीक है। या तो आप एक ही लंबा पीस ले लें, उसको ऐसे करके फोल्ड कर लें, लेकिन मेरे पास ज्यादा कपड़ा नहीं था तो इसलिए मैंने ये 4 पीस ले लिए हैं। अब यहाँ पर एक तरफ से मैं सिलाई लगा दूंगी दोनों को, इस तरह से ये पॉकेट सी बन जाएगी और ये मैंने बिल्कुल इस नीचे वाले कपड़े के बराबर काटे हैं। 6.5 इंच लंबाई है मेरे पास, आप चाहें तो इससे ज्यादा रख सकते हैं और डीप पॉकेट बन जाएगी। ये देखिए, मैंने इसको 2 पीसेस को आपस में ऐसे जोड़ा है और सीधी तरफ से जोड़ा है, ऐसे करके ये पॉकेट बनेगी, बाहर से जो है पॉकेट की सिलाई नजर ना आए। लंबाई में अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा हो तो ये जोड़ लगाना नहीं पड़ेगा, आप इतना ही ऐसे लंबा कपड़ा लेके उसको ऐसे फोल्ड करके आप यूज कर लेंगे। अब हमने ये जो नीचे वाले पीसेस है ना इनको उठा लेना है और हमने ये जो कली है यहाँ के साथ जो है हमने ये पॉकेट ऐसे अटैच करनी है। यहां से मैं इसको ऊपर से भी सिलाई लगा रही हूं। अब यहां पर बिल्कुल ही छोटे से मैं 4 प्लेट्स डालूंगी क्योंकि कपड़ा कम है, सिर्फ यहां पे ऐसा लुक आएगा कि पॉकेट है, इसलिए जो है यहां पे इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं ये छोटे छोटे से प्लेट्स डाल रही हूं। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा हो तो आप ये प्लेट थोड़े डीप भी डाल सकते हैं।
प्लेट्स डालने के बाद इसको पॉकेट के इस वाले एंड से अटैच करेंगे। और इसके साथ ही मैंने ये सीधी पट्टी ली हुई है पाइपिंग के लिए, बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसको भी मैं इसके साथ यहाँ पर अटैच करूँगी। यहाँ पर मैं लैस रखूंगी और पट्टी को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके इस लैस के ऊपर ऐसे आना चाहिए। उठा के बिल्कुल ये जो मैंने जोड़ लगाया था इसके थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे करके रखूंगी। यहां से भी सिलाई लगा देंगे और यहां से भी सिलाई लगा देंगे। देखिए पॉकेट बन गई है। इधर से मैं आपको उल्टी तरफ से इसकी लुक दिखाती हूँ। तो आपके पास अगर कपड़ा लंबा हो तो आप लंबी पॉकेट बनाइएगा, थोड़ी सी यहाँ यहाँ तक जो है आए, थोड़ी इसकी जो है लंबाई और ज्यादा कर लीजिएगा। अब इन कलियों को मैं सेंटर वाले पैनल के साथ अटैच करूंगी और अटैच मैं इसको नीचे से करना स्टार्ट करूंगी। कलियां जोड़ने के बाद अब ये बॉर्डर मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। कलियां जोड़ दी हैं और बॉर्डर इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ पर मेरी फ्रंट साइड बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं लंबाई के रुख में सेंटर से फोल्ड कर लूंगी। मैंने अब बैक साइड को फ्रंट साइड के ऊपर सेट करके बिछा लिया है। अब इसके साथ साथ मैं इसको कटिंग कर लूंगी और उसके बाद जो है फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको ज्यादा डीप कर लेंगे। फ्रंट साइड की भी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी गला बनाएं। फिटिंग की सिलाई मैंने निशानों के ऊपर ऊपर लगा दी है और पॉकेट जो है इसकी देखिए यहाँ तक है और यहाँ तक जो है फिटिंग का निशान आया है। अब हमें इसकी साइड वाली सिलाई लगानी है, ऐसे सिलाई लगेगी साइड वाली। और ये जो पॉकेट है ये इस चौक की सिलाई के अंदर ऐसे सिलाई हो जाएगी। इस तरीके से इसको चौक में सिलाई कर। शर्ट की सिलाई बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। ये इसका नेक डिजाइन है, बिल्कुल सिंपल मैंने इसका नेक डिजाइन बनाया है और इसके आगे ये ऐसे पांच मैंने लटकन लगाए हैं। लटकन के ऊपर मैंने एक मोती लगाया है और उसके साथ ही ये लटकन अटैच किए हैं। और ये इसका स्लीव्स डिजाइन है, बैक साइड से ये स्ट्रेट है, फ्रंट से ऐसे मैंने थोड़ा सा राउंड बनाया है और साथ मैंने इसके ही लूप्स बना के लगाए हैं। इसकी वीडियो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है, बिल्कुल सिंपल। आपके पास कपड़ा खुला है यहाँ पर आप प्लेट्स भी ज्यादा डाल सकते हैं और इसके अलावा इसको फ्रॉक की लुक दे सकते हैं। यहाँ पे चौक ना बनाएं और इसको यहाँ से ऐसे बंद करते हैं तो ये फ्रॉक भी बन सकता है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।